सो so, आज के सेशन में हमें दो चीज़ें करनी है वी हैव टू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दीज ईयर क्वेश्चन ईयर जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्लस वी ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वट इज़ हज़ार्ड्स तो हज़ार्ड्स का जो टॉपिक है वो भी हमें कवर करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक भी हमें कवर करना है चलो वी कैन डू सम क्वेश्चन आउट ऑफ ऑल ऑफ दिम इन सब में से कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ठीक है तो सो वी हैव ऑलरी डन दिस क्वेश्चन इन योर प्रीवियस क्लास इसको हम कर चुके हैं इसको भी हम लोग कर चुके हैं दिस इज थियोरटिकल क्वेश्चन लेट्स किप इट ये दियोर्टिकल क्वेश्चन राइट नाउ लेट्स स्कीप इट एज ऑफ नाउ ठीक है एंड दिस इज बेस्ड ऑन इसको हज़ार्स के बाद करेंगे ओके दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन हज़ार ओके डू दिस वन तो इस क्वेश्चन को करिए प्लीज़ टेल मी द आंसर इन द चैट वि माई डियर फ्रेंड्स ओके तो लेट मी डू इट आप सभी के बिहाफ में ऑन योर बिहाफ़ लेट मी डू दिस वन ठीक है देखो यहाँ पर ना दो चीज़ें गिवन हैं सबसे पहले दिया हुआ है कि हमारे पास पाइपलाइनिंग है जिसके अंदर चार स्टेजेस हैं सो वी हैव फोर स्टेजेस दिस इज द स्टेज नंबर वन दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर स्टेज नंबर टू दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर स्टेज नंबर थ्री एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर स्टेज नंबर फोर सो वी हैव फोर स्टेजेस इन अ पाइपलाइन ओके नाउदे सिंग द रिस्टर्स दैट आर यूज बिटवीन द स्टेजेज है डिले ऑफ फाइव नैनो सेकेंड ईच एज्यूमिंग दैट कॉन्स्टेंट क्लॉक रेट क्लॉकिंग रेट द टोटल टाइम टेकन टू प्रोसेस वन थाउजेंड डेटा आइटम्स ऑन दिस पाइप लाइन विल बी इस पाइप लाइन में अगर आपको वन थाउजेंड डेटा आइटम्स को प्रोसेस करना है तो हमारे पास जो टाइम है वो कितना लगेगा देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइप अगर किसी पाइपलाइन में अन ईवन डिले होता है तो उस अन ईवन डिले का जनरली क्या अफेक्ट हमारी पाइपलाइनिंग में होता है ओके तो अल टेक वन एग्ज़ाम्पल बिफ़ोर डूइंग ऑल ऑफ देम इन सभी को करने से पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल को लूँगा और फिर हम लोग समझेंगे कि ये जो अन इन डिले है उससे क्या इफेक्ट हमारे पाइपलाइनिंग में हो सकता है ठीक है देखो हमारे पास दो चीज़ें हो सकती है हमारे पास लेट मी टेक दम स्टेप बाय स्टेप तो हमारे पास दो चीज़ें हो सकती है किसी भी पाइपलाइनिंग में या तो सभी इंस्ट्रक्शंस को सेम डिले चाहिए आई मीन सेम क्लॉक साइकिल्स चाहिए सभी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए राइट right? और दे माइट रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लॉक साइकिल्स उन सभी को अलग अलग क्लॉक साइकिल्स चाहिए हो सकती है एग्जीक्यूट करने के लिए अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि वट एम ट्राइंग टू से ठीक है तो आई टेक टू एग्जाम्पल्स हेयर तो दो एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ पर लूँगा एंड फ्रॉम दीज टू एग्जाम्पल्स मोस्ट ऑफ ली आई ट्राई टू प्रूव माई पॉइंट तो जो पहला एग्जाम्पल है हेयर वी आर एज्यूमिंग दैट दे नीड सेम क्लाक साइकल्स अगर हर एक इंस्ट्रक्शन को सेम क्लाक साइकिल चाहिए दैट विल बी योर फर्स्ट एग्जाम्पल एंड द सेकेंड एग्जाम्पल्स इज देट दे नीड डिफरेंट क्लाक साइकल्स उन सभी को डिफरेंट क्लाक साइकल्स चाहिए ठीक है अब अगर आपको सेम क्लाक साइकिल्स चाहिए तो उस केस में क्या हो सकता है लड़ा सज्यूम कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं सो इंस्ट्रक्शंस नीड फोर स्टेज वन इज़ योर इंस्ट्रक्शन फेच

हमें हर एक इंस्ट्रक्शन को वन क्लॉक साइकिल की रिक्वायरमेंट है एवरी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड वन क्लॉक साइकिल हर एक इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर एक क्लॉक साइकिल की रिक्वायरमेंट है एंड वी माइट वॉन्ट टू एग्जीक्यूट वन थाउजेंड इंस्ट्रक्शन हमें कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने हैं यहाँ पर वन थाउजेंड इंस्ट्रक्शन तो इस केस में यहाँ पर कैसे ये बिहेव करेगा तो सबसे पहले इस बिहेवियर को समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं ठीक है जस्ट इट राइट तो यहाँ पर वी हैव टू फैक्टर्स सो दियर वी आर रिप्रेजेंटिंग द क्लॉक साइकिल क्लॉक साइकिल नंबर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन ये सभी जो है क्लॉक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड आई एम रिप्रेजेंटिंग द इंस्ट्रक्शन सो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन आई वन है तो जो इंस्ट्रक्शन आई वन है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंस्ट्रक्शन आई वन विल डू इंस्ट्रक्शन फेच हीयर

तो यहाँ पर हर एक जो इंस्ट्रक्शन है इट इज़ कमिंग आफ्टर एग्जैक्टली वन क्लॉक साइकिल तो हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्जैक्टली ए क्लॉक साइकिल के पास आ रही है राइट right? तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारे पास कि जो पहली इंस्ट्रक्शन है द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट आफ्टर द फोर क्लॉक साइकल्स पहली इंस्ट्रक्शन चार क्लॉक साइकिल्स के बाद एग्जीक्यूट होगी राइट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लेकिन उसके बाद जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस बची हैं यानी कि जितनी आपके पास यहाँ पर 999 इंस्ट्रक्शंस बची है एवरी इंस्ट्रक्शन विल फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन आफ्टर वन क्लॉक साइकिल तो हर एक इंस्ट्रक्शन को सिर्फ एक क्लॉक साइकिल की रिक्वायरमेंट है दे नॉट नीड मोर देन वन क्लॉक साइकिल्स ठीक है तो इस केस में अगर मैं पूछूंगा कि अगर टू एग्जीक्यूट वन थाउजेंड इंस्ट्रक्शंस हाउ मेनी क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड वन थाउजेंड इंस्ट्रक्शन को एक्जीक्यूट करने लिए कितनी 999, हाँ के लिए कितने क्लॉक साइकल्स हैं दर इज फोर प्लस नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन विच इज इक्वल टू वन थाउजेंड थ्री हमें यहाँ पर वन थाउजेंड थ्री क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होगी करेक्ट अब उसके बाद हमारे पास दूसरा एक केस है जहाँ पर हमें शायद किसी इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है तो लेट मी एक्सप्लेन दिस ठीक है तो लेट अस अज्यूम कि अगेन हमारे पास यही फोर स्टेजेस हैं दीज आर द फोर स्टेजेस बट दिस टाइम दी स्टेजेस रिक्वायर डिफरेंट क्लॉक साइकिल्स सो इंस्ट्रक्शन फेच रिक्वायर्स वन क्लॉक साइकिल इंस्ट्रक्शन और मेक इट इंस्ट्रक्शन फेच रिक्वायर्स टू क्लॉक साइकल्स इंस्ट्रक्शन डिकोड रिक्वायर्स वन क्लॉक साइकिल ऑपरेंट फेच और यू कैन से कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव एड्रेस इट रिक्वायर्स टू क्लाक साइकल्स और लेटस मेक इट मोर डिफिकल्ट लेटस एज्यूम कि ये थ्री क्लाक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट है और जो एग्जीक्यूशन है उसको सिर्फ एक क्लॉक साइकिल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है सो दैट मीन्स दे नीड डिफरेंट क्लाक साइकिल्स हेयर ठीक है अब यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा इस चीज़ का ठीक है तो सेम मैं यहाँ पर वन थाउजेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू एक्जीक्यूट वन थाउजेंड इंस्ट्रक्शन लेटस सी वट विल भी द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ सिनारी फॉर आवर वन थाउजेंड इंस्ट्रक्शन हेयर ठीक है करेक्ट तो दिस इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड अब जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं इंस्ट्रक्शन आई वन तो इंस्ट्रक्शन आई वन रिक्वायर्स टू क्लॉक साइकिल्स टू परफॉर्म अ फेच ऑपरेशन तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच यहाँ पर करेगा फिर इंस्ट्रक्शन फेच यहाँ पर करेगा इट रिक्वायर्स वन क्लॉक साइकिल टू परफॉर्म इंस्ट्रक्शन डिकोड इट रिक्वायर्स थ्री क्लॉक साइकिल्स टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस एंड देन इट रिक्वायर्स वन क्लॉक साइकिल टू फाइंड आउट टू एग्जीक्यूट राइट तो यानी कि जो पहली इंस्ट्रक्शन है दिस इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू टेक अ टोटल ऑफ सेवन क्लॉक साइकिल्स कितना टू प्लस वन प्लस थ्री प्लस वन दैट इज इक्वल टू टोटल सेवन क्लॉक साइकिल पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो सेवन क्लॉक साइकिल्स के बाद बाहर आएगी राइट नाउ इफ आर टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शन आई टू तो इंस्ट्रक्शन आई टू जो है वो इन दोनों लोकेशन पर इंस्ट्रक्शन फैच नहीं कर सकता इट विल परफॉर्म इंस्ट्रक्शन फैच हियर ये यह यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फैच ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा ओके देन इट विल परफॉर्म इंस्ट्रक्शन डिकोड हेयर एंड आफ्टर दिस इट कैन नॉट परफॉर्म यू नो कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव एड्रेस हेयर इट कैन ओनली कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस हेयर तो ये यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट कर सकता है देन इट कैन एग्जीक्यूट हेयर तो यहाँ पर जो है अपना एग्जीक्यूशन ये फिनिश करेगा उसी तरीके से जो हमारी इंस्ट्रक्शन आई थ्री है सो दिस इंस्ट्रक्शन आई थ्री कैन ओनली स्टार्ट फैचिंगयर तो यहाँ पर यह फैच करेगा

एग्जीक्यूट और इट विल फिनिश आफ्टर सेवन क्लाक साइकिल्स ये सेवन क्लाक साइकिल्स के बाद फिनिश होंगी लेकिन उसके बाद जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपके पास आ रही है ऑल द न्यू इंस्ट्रक्शन दैट आर फिनिशिंग इट्स एग्जीक्यूशन दे आर कमिंग आफ्टर थ्री क्लाक साइकिल्स वो यहाँ पर सिर्फ थ्री क्लाक साइकिल्स के बाद यहाँ पर आ रही है दैट मीन्स दैट मीन्स अगर हमें यहाँ पर 1000 थाउजेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो 1000 थाउजेंड इंस्ट्रक्शन के लिए जो आपकी पहली इंस्ट्रक्शन है योर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विल टेक सेवन क्लॉक साइकिल्स बट जितनी भी आपकी 999 हंड्रेड नाइन्टी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बची है दीज इंस्ट्रक्शन यू नो दे विल फिनिश देयर एग्जीक्यूशन आफ्टर थ्री क्लॉक साइकिल्स तो उन सबको थ्री क्लॉक साइकिल्स का टाइम यहाँ पर लगेगा सो इफ़ यू एड दिस वैल्यू अगर आप पूरी वैल्यू को एड करेंगे सो देट इज गोइंग टू बी सेवन प्लस 2997 एंड दिस वैल्यू विल बी 3014 तो जो पूरी वैल्यू है ये आपके पास मोस्ट ऑबली 3014 होगी तो so, यानी कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए हमें 3014 थाउजेंड फोर्टीन क्लॉक साइकिल्स लगेंगी अब देखो यहाँ से नोटिस करने के लिए क्या चीज़ें है? चीज़े हैं तो दो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा नोटिस करने के लिए कि अगर आपके पास इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन में अन इवन डिले है यानी कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन कम क्लॉक साइकिल लेती है और कोई इंस्ट्रक्शन ज़्यादा क्लॉक साइकिल लेती है फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव अन ईवन डिले हियर दिस इंस्ट्रक्शन टेक्स थ्री क्लॉक साइकिल यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है इसको थ्री क्लॉक साइकिल लग रही है तो जो पहली इंस्ट्रक्शन है द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यू विल गेट द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन बाय एडिंग ऑल ऑफ देम लेकिन बाकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपके पास बचती है यू विल गेट द आउटपुट आफ्टर थ्री क्लॉक साइकिल्स ओनली तो बाकी सभी इंस्ट्रक्शन का जो आउटपुट आपको तीन क्लॉक साइकिल्स के बाद मिलेगा सो हियर वी आर गेटिंग आउटपुट आफ्टर वन क्लॉक साइकिल एंड हियर वी आर गेटिंग आउटपुट आफ्टर थ्री क्लॉक साइकिल्स अब इसी तरीके से अगर मैं इस फॉमले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ तो लेट्स अज्यूम तो ले कि हमें ये ऑपरेशन को परफॉर्म करना है वी हैव इंस्ट्रक्शन फेच वी हैव इंस्ट्रक्शन डिकोड वी हैव कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव एड्रेस देन आफ्टर दिस इफेक्टिव एड्रेस नो वी हैव टू कैलकुलेट द ऑपरिंट फेच देन वी हैव टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड देन वी हैव टू राइट द रिजल्ट बैक तो हमें ये सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है एंड लेटस अज्यूम द क्लॉक साइकिल्स टेकन हीयर इज वन फोर थ्री टू मे बी वन एंड मे बी थ्री इस तरीके से हमारे पास क्लॉक साइकिल्स गिवन है दैट ईच ऑफ दिज ऑपरेशन रिक्वायर दीज मनी क्लॉक साइकिल्स यानी कि अगर मुझे वन थाउजेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है इस केस में इफ़ आई वॉन्ट टू एक्जीक्यूट वन थाउजेंड इंस्ट्रक्शन इन दिस केस तो जो आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कब फिनिश होगा आई मीन द कंप्लीट राइट बैक ऑपरेशन तक कब फिनिश होगा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए दैट इज़ वन प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री तो टोटल कितना हुआ आपके पास थ्री प्लस थ्री इज सिक्स सिक्स प्लस फोर इज़ टेन एंड टेन प्लस फोर इज़ फोर्टीन तो टोटल यहाँ पर लगेगा आपको यहाँ पर फोर्टीन साइकिल्स तो फोर्टीन साइकिल्स के बाद ये पहली इंस्ट्रक्शन है जो आपको आउटपुट उसका मिलेगा लेकिन जो जितनी भी बची हुई नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन इंस्ट्रक्शन आपके पास है ऑल दीज नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन इंस्ट्रक्शन उन सभी का जो आउटपुट है आई मीन वेन दे विल फिनिश देयर वर्क दे विल फिनिश देयर वर्क आफ्टर फोर क्लॉक साइकिल्स यानी कि इन सभी में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वट एवर द मैक्सिमम वैल्यू यू कैन हैव आउट ऑफ ऑल ऑफ देम तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास फोर तो फोर इंटू नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन तो जो आएगा आपके पास यहाँ पर थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स तो यानी कि जो टोटल टाइम लगेगा यहाँ पर दैट इज़ फोर्टीन प्लस थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स विच इज़ इक्वल टू फोर थाउजेंड टेन साइकिल्स तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए हमें टोटल फोर थाउजेंड टेन साइकिल्स यहाँ पर लगेगी दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन आइडेंटिफाई तो ये जो बेसिक है वो बेसिक यहाँ पर रिक्वायर्ड है अब इन्होंने क्या बताया है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास चार स्टेजेस हैं वी हैव द स्टेज एस वन वी हैव द स्टेज एस टू ओके लेट मी राइट इट क्लियरली है सो वी हैव द स्टेज एस वन वी हैव द स्टेज एस टू वी हैव द स्टेज एस थ्री एंड वी हैव द स्टेज एस फोर तो जो स्टेज एस वन है एस वन नीड्स वन हंड्रेड फिफ्टी नैनो सेकेंड्स एस टू नीड्स वन हंड्रेड ट्वेंटी नैनो सेकेंड्स एस थ्री नीड्स वन हंड्रेड सिक्सटी नैनो सेकेंड्स एंड एस फोर नीड्स वन हंड्रेड फोर्टी नैनो सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट यानी कि हर एक स्टेज पे जो डीबी लगेगा वो हमें गिवन है

इसका जो रिजल्ट आएगा आई एम गोइंग टू स्टोर दिस इन द रजिस्टर आर थ्री सो अगेन द डिले इज फाइव नैनो सेकंड एंड हियर वट एवर द रिजल्ट विल बी देयर आई एम गोइंग टू स्टोर इन द रजिस्टर सो दिस इज यू नो डिले विल बी फाइव नैनो सेकेंड यानी कि जो भी रिजल्ट यहाँ पर आएगा सो फॉर ऑल ऑफ दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू हैव दिस डिले ऑफ फाइव नैनो सेकेंड अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं ये जो रजिस्टर है मैंने जैसे यहाँ क्रिएटेड दिस रजिस्टर तो हमें बेसिकली आर फोर की जरूरत यहाँ पर नहीं है सो आई थिंक आई शुड यूज़ इट हीयर तो जो पहला जो रजिस्टर है इट शुड भी हेयर आर जीरो जो रजिस्टर है वो यहाँ पर होना चाहिए बेसिकली डिपेंड्स ऑन की कैसी इम्प्लीमेंटेशन है अकॉर्डिंगली यू कैन ऑर्गनाइज द रजिस्टर्स तो यहाँ पर दिस डिले विल बी अगेन फाइव नैनो सेकेंड तो जो डिले है वो यहाँ पर फाइव नैनो सेकेंड यहाँ पर हो सकता है ठीक है अब यानी कि हर एक स्टेज का टोटल डिले कितना हो गया सो फॉर दिस स्टेज एस वन वट इज़ द टोटल डिले दिस इज़ वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव नैनो सेकेंड For the stage S2, what is the total delay? It is 125 nanosecond. For the stage S3, what is the total delay? It is 165 nanosecond. And for the stage S4, what is the total delay? It is 145 nanosecond. अब इन सभी में से जो मैक्सिमम डिले कितना है हमारे पास मैक्सिमम डिले है 165 नैनो सेकेंड तो वो जो मैक्सिमम डिले है दैट विल बी दट मैक्सिमम डिले दैट यू विल गेट फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन राइट अगर आपको 1000 थाउजेंडें डेटा आइटम्स को एग्जीक्यूट करना है इफ़ यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट वन थाउजेंड इंस्ट्रक्शन यानी कि जो आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ठीक है तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगेगा जो इनका टोटल है लेकिन जो आपकी जितनी भी 999 इंस्ट्रक्शंस है उन सभी 999 को सिर्फ 165 हंड्रेड सिक्सटी नैनो का डिले यहाँ पर लगेगा कितना डिले लगेगा यहाँ पर 165 हंड्रेड नैनो ओके आई होप इट इज़ क्लियर इतना आप सभी के साथ क्लियर है ठीक है अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए टू थिंग्स दैट यू नीड फॉर दिस दो चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए है कि जो आपके पास ये 999 हंड्रेड नाइन्टी है ठीक है जितने भी 999 हंड्रेड नाइन्टी हैं तो ये जो सभी 999 हंड्रेड नाइन्टी हैं दे विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 165 हंड्रेड सिक्सटी नैनो सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट कितना टाइम लगेगा इनको 165 हंड्रेड सिक्सटी फाइव नैनो सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट राइट सो इसका मतलब है कि इनको जो टाइम लगेगा यू कैन कैलकुलेट दिस लेट मी ब्रिंग अ कैलकुलेटर एंड कैलकुलेट दिस वैल्यू तो मेरे पास जो कैलकुलेटर है मेरे प्यारे मित्रों so i can take this calculator i can say 165 multiplied by 999 then you will get a value as 164835 to so, hamare paas jo value milegi that is 164835 एट थ्री फाइव नैनो सेकेंड तो यहाँ पर इतना टाइम तो इसको लगेगा ठीक है so तो अगर आप सिर्फ इस वैल्यू को भी डिवाइड करेंगे बिकॉज हमें क्या चाहिए यहाँ पर uh, क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर द टू विद स्टेज क्लॉक रेट द टोटल टाइम टेकन टू प्रोसेस वन डेटा आइटम्स ऑन दिस पाइपलाइनिंग इज यानी कि वन थाउजेंड डेटा आइटम्स को प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लगेगा तो ये जो टाइम हमारे पास है नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन के लिए तो ये जो टाइम है दिस दिस टाइम विल बी इक्वल टू वन हंड्रेड सिक्सटी फोर पॉइंट एट थ्री फाइव माइक्रो सेकेंड इसको यानी कि कितना हो गया वन हंड्रेड सिक्सटी फोर पॉइंट एट थ्री फाइव माइक्रो सेकेंड टू प्रोसेस दिस 999 हंड्रेड नाइन्टी नाइन डेटा आइटम्स ठीक है तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बी और डी में से तो आपका आंसर नहीं हो सकता बिकॉज 999 हंड्रेड नाइन्टी नाइन डेटा आइटम्स को प्रोसेस करने के लिए भी हमें वन हंड्रेड सिक्सटी फोर नैनो सेकेंड्स यहाँ पर लग रहे हैं ठीक है तो ऑब्वियसली जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए लेकिन ऑप्शन नंबर सी आंसर का एक रीज़न और है यहाँ पर वन मोर रीज़न इज दैर कि ऑप्शन नंबर सी का जो आंसर है मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर क्यों आता है तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी पहली इंस्ट्रक्शन है द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज़ टेकिंग द मैक्सिमम टाइम अगर इसका ऐड यहाँ पर करेंगे टोटल टाइम को तो टोटल टाइम कितना आएगा आपके पास 155 हंड्रेड फिफ्टी फाइव प्लस वन प्लस वन प्लस वन अगर आप इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इनका एडिशन क्या मिलेगा आपको लेट मी कैलकुलेट इट हीयर तो इसका एडिशन क्या मिलेगा हमें सो एडिशन इज़ वन प्लस 125 प्लस 165 प्लस 145 तो इसका जो एडिशन है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 590 नैनो सेकंड्स सेकेंड इसका एडिशन मिलेगा 599 हंड्रेड यानी कि टोटल जो 1000 इंस्ट्रक्शन का जो टाइम है तो 1000 इंस्ट्रक्शंस का जो आपको पास यहाँ पर टाइम निकलता है सो दैट विल बी इक्वल टू 590 हंड्रेड नाइन्टी सेकंड फॉर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन प्लस वन लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी फाइव नैन सेकेंड फॉर ऑल अदर इंस्ट्रक्शन टोटल अगर आप ऐड करेंगे इफ़ यू ऐड दिस वैल्यू लेट मी डू द एडिशन प्लस वी हैव वन सिक्स फोर एट थ्री फाइव सो टोटल वैल्यू विल बी सिक्स वन सिक्स फाइव फोर टू फाइव तो वैल्यू मिलेगी हमारे पास वन सिक्स फाइव फोर टू फाइव नैनो सेकेंड जिसको अगर माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे दिस इज वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर टू फाइव माइक्रो सेकेंड तो जो कि इस वैल्यू के इक्वल है एंड दिस वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू द ऑप्शन नंबर सी ये जो वैल्यू है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से बहुत ज़्यादा क्लोज है ओके आई होप इट इज़ क्लियर इतना क्लियर है ठीक है ठीक है अब देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है आई मीन वी आर गेटिंग द आंसर एज 165.425 और जो आंसर गिवन है वो ऑप्शन नंबर सी गिवन है विच इज़ 165.5 तो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वी आर नॉट गेटिंग पॉइंट तो पॉइंट फाइव एक्जैक्टली यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है उसका एक रीज़न है तो लेट मी एक्सप्लेन यू द रीज़न तो उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बट मीन वाइल प्लीज़ हैव अ लोकेटेड एंड टेल मी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो गुड इफ इट इज़ क्लियर नो वन मोर थिंग जो मेरा आंसर है वाई एम नॉट गेटिंग आंसर इज वन सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव एंड वाई एम नॉट गेटिंग आई एम गेटिंग आंसर वन सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर टू फाइव बिकॉज जो मेरा आंसर है दैट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू लेकिन एक्चुअल में इस आंसर में जो ऑफिशियल आंसर था उसमें इन्होंने क्या कंसिडर किया था वट दे कंसिडर्ड हियर की जो आपकी स्टेज एस वन है राइट right, तो स्टेज एस वन को टाइम कितना लगेगा फाइव प्लस वन हंड्रेड फिफ्टी नैनो सेकेंड जो आपकी स्टेज S2 है S2 में टाइम कितना लगेगा 5 प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी नैनो सेकेंड और जो आपकी स्टेज S3 है उसमें टाइम कितना लगेगा 160 प्लस 5 नैनो सेकेंड और जो स्टेज S4 है दैट विल टेक 140 हंड्रेड फोर्टी प्लस फाइव नैनो सेकेंड तो टोटल तो जो टाइम यहाँ पर लगेगा दैट विल बी 155। दिस इज़ 130, आई थिंक दिस इज़ है ना सो दिस इज़ 125 हंड्रेड ट्वेंटी ठीक है तो ये आपके पास यहाँ पर टाइम यहां पर लगेगा सो इन ऑफिशियल आंसर वर्ट दिट इज कि जो आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर उस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्टर्ड ऑफ टेकिंग यू नो इंस्टर्ड ऑफ टेकिंग कि इन सब का टोटल टाइम क्या है दे डिट इज कि जो इसमें मैक्सिमम टाइम है जो मैक्सिमम टाइम कितना है यहाँ पर 165. सो वर्ट इट दिट इज कि 165 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ ठीक है ये आपका मैक्सिमम टाइम है तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो 165 सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई फोर नैनो सेकेंड्स के बाद आपके पास आएगी दिस इज़ बट दे एज्यूम्ड और जो आपकी लेटेस्ट 999 इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए दे एज़्यूम्ड कि हर एक इंस्ट्रक्शन को 165 सिक्सटी सेकेंड लगेंगे सो दिस इज़ 165 सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई नाइन तो उन्होंने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो वैल्यूज़ कितनी होगी आपके पास 165 सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई फोर प्लस वन सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई नाइन तो अगर आप इस टोटल वैल्यू में से 165 सिक्सटी फाइव कॉमन लेंगे सो दिस इज़ वन थाउजेंड थ्री और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट सो दिस इज़ बेसिकली नैनो सेकंड और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस बाई वन थाउजेंड इसको मल्टीप्लाई करके आप वन थाउजेंड से डिवाइड करेंगे ठीक है देन यू विल गेट द आंसर एज वन सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव माइक्रो सेकेंड तो आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पर 165.5 माइक्रो सेकेंड यहाँ पर मिलेगा दिस इज वट दे डिड इन द एक्चुअल सॉल्यूशन तो उन्होंने एक्चुअल सॉल्यूशन में क्या किया कि उन्होंने बेसिकली वी वट वी डिड इज वी ट्राई टू कैलकुलेट द एक्ट वैल्यू एंड दे ट्राई टू डू एन अप्रॉक्सीमेशन फॉर स्टेजेस दे डिसाइड की जो पहले इंस्ट्रक्शन है उसके लिए हर एक स्टेज को 165 सिक्सटी फाइव प्लस वन सिक्सटी फाइव प्लस वन सिक्सटी प्लस वन सिक्सटी फाइव दिस इज वर्ट दैट इज एंड दे ट्राई टू कैलकुलेट द एक्ट वैल्यू बेस्ड ऑन दिस ओके सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द सोलूशन आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा एंड आई कैन बेट यू गाइज आर सुपर स्मार्ट ठीक है तो उन्होंने बेसिकली क्या किया शुभम की सिम्प्लिसिटी पर्पस के लिए उन्होंने सबको एज्यूम किया कि अन ईवन डिले की जगह पर उन्होंने जो मैक्सिमम डिले है वो एज्यूम कर लिया कि हर एक स्टेट में 165 सिक्सटी फाइव सेकेंड ही लगेगा तो उन्होंने उसको एज्यूम किया उसके बेसिस पर वैल्यू को कैलकुलेट की बट एनी जो मैंने आपको सोल्यूशन कराया है वट एवर आई एक्सप्लेन यू यू शुड फॉलो दैट सोल्यूशन बिकॉज दैट सोल्यूशन विल बी बेटर ठीक है